सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को अपकमिंग कुछ और भी बेहतरीन न्यूज एंड अपडेट के बारे में बताने वाला हूं, जो एक हफ्ते के अंदर आने वाला है। अभी पूरा वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को सारे अपडेट पता चल जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पे आज के दिन हमारे गेम के अंदर इवो गोल्ड इवेंट आ गया है। लेकिन गाइस, यहाँ पे आप लोगों ने अगर स्पिन किया होगा तो आप लोग को ज्यादातर रिपीटेड आइटम जरूर मिला होगा। तो ऐसा अगर हुआ है तो भाई आप लोग टेंशन ना लो, क्योंकि भाई यहाँ पे अगस्त महीने को भी ये जो सेम पैराफिल का स्किन देख पा रहे हो वापस रिपीट रहने वाला है। और इस बार स्पिन करके अगर ये वाला स्किन नहीं निकालता है तो भाई आप लोग सेकंड टाइम ट्राई जरूर करना, आप लोग के स्किन जरूर निकल जाएगा। वैसे कैसे इवो पैराफिल का स्किन निकलना चाहिए कि नहीं चाहिए कॉमेंट करके जरूर बताना, और आप लोग को क्या लगता है ये तो भाई जरूर बताना। और अभी बढ़ते हुए हमारे अगले अपडेट की तरफ, तो यहाँ पे आप लोग एक इवेंट देख पा रहे जो AC80 के रिगार्डिंग है। तो जी हाँ भाई, यहाँ पे जो AC80 का स्किन है आप लोग को फ्री में मिलने वाला है, जिसका लुक एंड आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। इसका मैगजीन डबल प्लस रहेगा, आर्मर पेनेट्रेशन सिंगल प्लस और रीलोड स्पीड माइनस रहने वाला है। तो ये जो स्किन है भाई आप लोग को परमानेंट सभी लोग को मिल जाएगा, आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर इसका इवेंट आ जाएगा। और गाइस, आप लोग को सेम टू सेम ऐसा इवेंट देखने को मिलेगा जहाँ पे आप लोग को मिशन कम्प्लीट करना होगा, तभी जाके रिवॉर्ड मिलने वाला है। इसी के बाद में भाई आप लोग को स्काइलर के रिगार्डिंग भी एक छोटा सा इवेंट मिशन देखने को मिलेगा। तो जी हाँ गाइस, यहाँ पे स्काइलर के रिगार्डिंग आप लोग को स्किल स्किन का एक इवेंट मिशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप लोग कुछ कचरा रिवॉर्ड भी मिल सकता है। जैसे देख पा रहे हो फेस पेंट वगैरह टाइमिंग के लिए भी मिलेगा, और नहीं तो परमानेंट भी मिल सकता है। और यहाँ पे फेस पेंट के साथ गाइस आप लोग को यहाँ पे कुछ गन स्किन के गन क्रेट भी देखने को मिल सकते हैं। जो गन स्किन आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे M60 का रखा गया है, या कोई और गन स्किन भी रखा जा सकता है यहाँ पे। और साथ में गाइस आप लोग को स्कैलर कैरेक्टर कुछ दिनों के लिए ट्रायल करने के लिए मिल सकते हैं, नहीं तो परमानेंट भी आप लोग क्लेम कर सकते हो, बट यहाँ पे ट्रायल के लिए दिया गया है। साथ में गाइस आप लोग देख पा रहे हो स्किल स्किन भाई बहुत ही कमाल का है। जब भी आप लोग इसको यूज करो तो नीचे 7th anniversary का लोगो आ जाएगा, और कुछ इस टाइप का येलो कलर कॉम्बिनेशन में रहेगा। एंड इधर गाइस आप लोग ओरिजिनल स्किन देख पा रहे हो, जो कुछ इस टाइप का ही है। सो यहाँ पे 7th anniversary का जो सेकंड पार्ट आने वाला है उसके टाइम गाइस आप लोगों को ये स्किल स्किन मिलने वाला है, और AC80 का भी स्किन आने वाला है। तो तैयार रहना गाइस इनके मिशन कम्प्लीट करने के लिए और क्लेम करने के लिए। और अभी बढ़ते हुए हमारे अगले दूसरे अपडेट की तरफ, सो गाइस यहाँ पे आप लोग एक नया सा रिंग इवेंट देख पा रहे हो, जो नॉस्टैल्जिक आइटम को लेकर बनाया गया है। एंड एनिवर्सरी के सेकंड पार्ट में भी आप लोग को इसके स्पेशल वाला इवेंट देखने को मिलेगा। और ये जो गन स्किन देख पा रहे हो गाइस P90 का स्किन नहीं होने वाला, ये होगा ट्रोगोन का स्किन। तो जी हाँ भाई, ट्रोगोन का एक नया सा स्किन डिजाइन किया गया है, और इसके साथ एक ग्लोअल का भी स्किन देख पा रहे हो। पुराने पीक का जो हवेली है उसके ऊपर डिपेंड करके इसको बनाया गया है। और इनके साथ में गाइस आप लोगों को एक अवतार देखने को मिलेगा, जो भाई स्काल बंडल का जो मार्क्स है उसके स्पेशल। साथ में यहाँ पे एक बैनर भी देख पा रहे हो, तो ये बैनर अवतार रहने वाला है भाई इस इवेंट के अंदर। साथ में ग्रेनेड स्किन रहेगा जो बहुत ही पुराना है। और यहाँ पे गाइस आप लोगों के जो टोकन देख पा रहे हो, इन टोकन के जरिए गाइस इन सब आइटम को एक्सचेंज कर पाओगे। तो यहाँ पे नॉस्टैल्जिक स्पेशल भाई एक नया सा रिंग इवेंट आने वाला है। एंड एनिवर्सरी पे सेकंड पार्ट जब स्टार्ट होगा तब आने वाला है। और ये सब जो आइटम है भाई पुराने पीक के थीम पे बनाया गया है। अगर आप लोग ये सारे आइटम पसंद है तो लेने के लिए तैयार रहना। और गाइस, क्या आप लोग को पता है हमारे गेम के अंदर एक नया सा कॉल बैक इवेंट आने वाला है, वो भी 7th anniversary स्पेशल। तो जी हाँ गाइस, यहाँ पे जो आप लोग 7th anniversary स्पेशल कॉल बैक इवेंट देख पा रहे हो, सेम टू सेम ऐसे एक कॉल बैक इवेंट आने वाला है, जहाँ पे आप लोग अगर टोटल 5 बंदों के यहाँ पे कॉल बैक करोगे तो ये जो बेसबॉल बैट देख पा रहे हो ये भाई आप लोग को मिल जाएगा अभी फ्री में क्लेम करने के लिए। जो लोग यहाँ पे बहुत दिनों से गेम नहीं खेल रहे बस उनको यहाँ पे कॉल बैक करना होगा। टोटल 5 बंदे को कॉल बैक करोगे तभी जाके ये वाला आइटम आप लोग को मिलने वाला है। तो 7th anniversary स्पेशल कॉल बैक इवेंट 6 जुलाई को आ जाएगा, और इस मिशन को कम्प्लीट करोगे तो आप लोग एक बेसबॉल बैट मिल जाएगा, जिसका रिव्यू तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। और इसके आप लोग को पता है इस पर हम लोग एक फ्री का भी मैजिक क्यूब मिलने वाला है। हाँ, आप लोगों को तो शायद पता ही होगा। तो यहाँ पे ठीक 6 जुलाई को गाइस इंडिया, बांग्लादेश, सिंगापुर और बाकी के जो सर्वर है उनके लिए गाइस एक प्ले टाइम मिशन आएगा, और प्ले टाइम मिशन को कम्प्लीट करोगे तो आप लोग को फ्री में एक मैजिक क्यूब क्लेम करने को मिल जाएगा। एंड भाई तैयार है ना भाई इस मिशन को कम्प्लीट करने के लिए। और यहाँ पे फ्री में तो मैजिक क्यूब 6 तारीख को मिल रहा है। इसी के साथ में आप लोगों का कमेंट था क्या इस बार 6 या 7 तारीख को हमारा यहाँ पे मैजिक क्यूब स्टोर चेंज होने वाला है। तो देखो गाइस, यहाँ पे मैजिक क्यूब स्टोर तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी 26 जून को यहाँ पे मैजिक क्यूब स्टोर चेंज हो गया है, और यहाँ पे कुछ इस टाइप के बंडल वगैरह को एड किया गया है, तो इसलिए इसको और चेंज नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट होने वाले 4 सितंबर को। तो जी हाँ भाई, सितंबर महीने की 4 तारीख को यहाँ पे स्टोर अपडेट हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग वेट कर लेना। और अभी बढ़ते हुए हमारे अगले दूसरे अपडेट की तरफ गाइस, यहाँ पे आने वाला जो इवेंट आने वाला था कुछ ही दिनों में, उनमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया रिवॉर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे 4 तारीख को जो स्कैविंग का इवेंट आएगा फेरेट व्हील वाला, यहाँ पे सिर्फ स्कैविंग रहेगा, और इसी के साथ में यहाँ पे एक साइथी का भी स्किन रहने वाला है। और ये वाला साइथी स्केट का स्किन देखने में कुछ इस टाइप का होगा। एंड इन दोनों आइटम को निकालने के लिए टोटल 1000 डायमंड लगने वाला है। अगर आप लोग इनको निकालना चाहते हो तो 4 तारीख को तैयार रहना इसको निकालने के लिए। वैसे गाइस, ये तो क्या स्काई विंग का अपडेट,
लेकिन इसके स्पेशल जो अराइवल एनिमेशन को डिजाइन किया गया है वो किस इवेंट पे आएगा, चलो मैं आप लोग को उसका भी अपडेट और इवेंट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सब लोग जो रिवॉर्ड वगैरह देख पा रहे हो सेम टू सेम यही सब रिवॉर्ड रहने वाला है नेक्स्ट जो इसका विंग के स्पेशल जो अराइवल एनिमेशन है जिसका फेयरवेल इवेंट आने वाला है उसके अंदर। और जो अराइवल एनिमेशन इमोट देख पा रहे हो इसका इवेंट आएगा 5 जुलाई को, जो फेयरवेल टाइप का इवेंट होने वाला है एंड देखने में कुछ इस टाइप का होगा भाई, जब भी आप लोग लॉबी पे एंट्री करोगे तो कुछ इस टाइप का एनिमेशन आएगा। और इसके साथ गाइस आप लोग केवल ग्रेनेड स्किन मिलेगा जो ब्लास्ट होते ही कुछ इस टाइप का एनिमेशन आने वाला है। तो इन दोनों आइटम को लेकर गाइस 5 जुलाई को यहाँ पे वाला फेयरवेल इवेंट आएगा जो देखने में कुछ इस टाइप का ही होगा। और यहाँ पे इन दोनों आइटम को निकालने के लिए भी आप लोग 1000 डायमंड की जरूरत होगा और किस्मत अच्छा रहा तो भाई सस्ते पे मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर भाई ये दोनों फेयरवेल कंप्लीट करने के लिए आप लोग को 2000 डायमंड लगने वाला है। सो अभी आप लोग यहाँ पे डिसाइड कर लेना यहाँ पे एनिमेशन निकालोगे या यहाँ पे स्क्रीन निकालोगे, डिसाइड कर लेना क्योंकि भाई डायमंड तो सबके पास ज्यादा नहीं होता। और अभी बढ़ते भाई हमारे अगले दूसरे अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे आप लोग और एक रिंग इवेंट देख पा रहे हो जिसका नाम स्ट्रोमर रिंग इवेंट एंड सेम टू सेम ऐसे एक रिंग इवेंट इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर्वे के लिए आने वाला है जिसका लुक इंटरफेस और बैनर वगैरह सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पे जो एनिमो बंडल देख पा रहे हो इस बंडल को इस इवेंट का मेन ग्रैंड प्राइजेस के हिसाब से रखा जाएगा जो हर सेकंड में अपना कलर और हुलिया चेंज करता रहता है, मतलब ये डुओ कलर बंडल है जिसका मेन बंडल देखने में कुछ इस टाइप का ही होगा। और इस बंडल का कुछ स्पेशल इफेक्ट वगैरह भी रहेगा, साथ में फीमेल बंडल देख पा रहे जो मेल बंडल की तरह ही दिखने में है एंड इसका लुक भी बहुत ही बढ़िया है गाइस। तो यहाँ पे आप लोग ये दूसरे ग्रैंड प्राइजेस के हिसाब से मिलने वाले, बाकी आप लोग इसका रिव्यू देख पा रहे हो कुछ इस टाइप का ही होगा। एंड इसी के साथ में आप लोग यहाँ पे एक बैकपैक मिलेगा जो बैकपैक आप लोग देख पा रहे हो भवंडर टाइप का, मतलब थंडर जैसा देखने में है। और गाइस आप लोग यहाँ पे किसी भी लेवल का बैकपैक यहाँ पे पिक करोगे गेम पे आप लोग को सेम टू सेम ऐसा ही लुक देखने को मिलेगा, लेवल 1, 2, 3 पे अलग अलग नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे जो सरपुट देख पा रही वाला सरपुट यहाँ पे रहने वाला है 4th रिवॉर्ड के हिसाब से। और पॉसिबल है कि यहाँ पे यूनिवर्सल टोकन के जरिए आप लोग के सारे आइटम को एक्सचेंज कर पाओगे। और यहाँ पे गाइस ये इवेंट आने वाले 6 जुलाई को इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर्वर के लिए। और इन सारे आइटम को निकालने के लिए कम से कम 2 से लेकर 3000 डायमंड लगने वाला है। सो अगर आप लोग निकलना चाहते हो तैयार रहना क्योंकि 6 तारीख को इसका इवेंट आ जाएगा। और गाइस क्या आप लोग को पता है यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर्वर के लिए और एक नया सा लक रॉयल इवेंट आने वाला है जो होगा इमोट रॉयल इवेंट। सो यहाँ पे गाइस आप लोग उस लक रॉयल का रिव्यू देख पा रहे हो एंड यहाँ पे 2 इमोट देख पा रहे हो, इन दोनों इमोट में से कोई एक इमोट को यहाँ पे इस इवेंट पे लाया जाएगा। बट मुझे जितना लगता है गाइस आप लोग यहाँ पे स्प्रिंग रॉकर नाम के जो इमोट देख पा रहे हो इस इमोट को यहाँ पे लाया जाएगा एंड इसका इवेंट का डेट रहने वाला है 9 जुलाई। तो जी हाँ भाई 9 तारीख को एक नया सा यहाँ पे इमोट रॉयल इवेंट आने वाला है। और ये वाला इमोट देखने में तो कुछ अतरंगी टाइप का ही है लेकिन ये आएगा तो ठीक ठाक है। और इसी के साथ में यहाँ पे और एक इमोट है जिसका नाम है भाई वागर सीसो, जो देखने में कुछ इस टाइप का होगा डुओ इमोट एंड इस इमोट का आने का चांस बहुत ही कम है। तो इन दोनों इमोट में से गाइस कोई एक इमोट को लेकर यहाँ पे नेक्स्ट लक रॉयल इवेंट आने वाले 9 तारीख को और इनके साथ कोई अदर और भी इमोट रखा जाएगा। एंड वो सब अपडेट जानना चाहते हो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बाकी के अपडेट मैं आप लोग को बहुत जल्दी दे दूंगा। और गाइस देखते देखते मैंने आप लोग को बहुत सारे इवेंट्स और अपडेट के बारे में बता दिया लेकिन गाइस यहाँ पे आप लोगों ने कुछ और भी इवेंट्स और अपडेट के बारे में क्वेश्चन पूछा है तो चलो उनका भी अपडेट दे देता हूँ। इनमें से गाइस आप लोगों का कमेंट था कि स्कॉर्पियो बंडल कब आएगा, क्या 7th एनिवर्सरी स्पेशल इसको रिटर्न किया जाएगा। तो देखो गाइस 7th एनिवर्सरी स्पेशल इसको अभी रिटर्न नहीं किया जाएगा क्योंकि हर इवेंट का एक मेन लीड बंडल होता है और 7th एनिवर्सरी का मेन लीड बंडल है एनिमो बंडल। लेकिन गाइस इस बंडल का जो इवेंट है वो पॉसिबल है कि इसी महीने की लास्ट वीक को, मतलब 22 या 24 तारीख को आ सकते हैं। अभी इसका बैनर निकलने दो फिर गाइस मैं आप लोग इसका डेट कंफर्म करके बता दूंगा लेकिन ये बंडल रिटर्न आएगा जरूर। और गाइस इस बंडल को ऐसे टोकन टावर इवेंट पे रिटर्न किया जाएगा एंड थोड़ा अच्छे खासा डायमंड लगने वाला है और नहीं तो अगर रिंग इवेंट पे आता है तो मैं उसका अपडेट आप लोग को दे दूंगा लेकिन आप लोग अच्छे खासा डायमंड तैयार रखना। और भी बढ़ते हुए हमारे अगले अपडेट की तरफ, आप लोग कभी भी क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या 7th एनिवर्सरी स्पेशल गोल्डन शेड बंडल रिटर्न आएगा, तो देखो भाई मैं क्लियरली आप लोग को पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ इन सब बंडल को अभी और रिटर्न नहीं किया जाएगा क्योंकि इनका जो डेडिकेटेड सीजन था वो खत्म हो गया है। तो इसीलिए गाइस अभी इनकी रेडिंग वेट करना आप लोग के लिए टोटली टाइम वेस्ट होने वाला है और आप लोग का कोई भी फायदा नहीं होगा, तो इसके लिए भाई आप लोग और इंतजार ना करो। और अभी बढ़ते हुए हमारे अगले अपडेट की तरफ जो होगा मेंबरशिप को लेकर, तो देखो गाइस यहाँ पे मेंबरशिप के ऊपर 50% ऑफ आने का चांस तो यहाँ पे है लेकिन कब आएगा उसके बारे में अभी तक डेट के बारे में पता नहीं चला लेकिन 7th एनिवर्सरी पॉसिबल की आ सकता है। लेकिन गाइस यहाँ पे अगर आप लोग गेम के प्राइस से थोड़े कम प्राइस में आपके आईडी पे वीकली मंथली परचेस करना चाहते हो तो भाई आप लोग एसजी गेम शॉप से परचेस कर सकते हो, ये 100% रियल एंड सेफ एप्लीकेशन है। कमेंट बॉक्स पे आप लोग इसका लिंक मिल जाएगा, साथ में गाइस आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करके आप लोग यहाँ पे परचेस वगैरह कर पाओगे, तो यहाँ से एक बार जरूर परचेस कर लेना। और इन गेम जब डिस्काउंट आएगा उसका बैनर आने से पहले मैं आप लोग को बता दूंगा। और बढ़ते हुए हमारे आज के वीडियो की लास्ट अपडेट की तरफ जो होगा टुनाइट अपडेट को लेकर, तो गाइस आप लोग को आज रात 4 बजे के बाद इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर्वे के लिए फाइनल शॉट नाम का एक नया सा रिंग इवेंट देखने को मिलेगा जहाँ पे पैराफिल का ही फाइनल शॉट रहने वाला है जिसको आप लोग कोई भी पैराफिल स्किन के साथ यूज कर पाओगे। और इसका तो
ट्रायल आप लोगों ने ले लिया होगा और यहाँ पे पहला स्पिन डिस्काउंट में रहेगा जो आप लोग देख पा रहे हो, एंड यहाँ पे कोई दूसरा टोकन रहेगा जिसका नाम होगा योंडा टोकन, और इस टोकन के जरिए आप लोग इस आइटम को एक्सचेंज कर सकते हो। और इस रिंग इवेंट के अंदर अदर कोई यहाँ पे फाइनल शॉट रहेगा कि नहीं रहेगा उसका कॉन्फर्मेशन अभी तक नहीं मिला, लेकिन ये वाला रिंग इवेंट आने वाला है आज रात 4 बजे के बाद, तो तैयार रहना गाइस यहाँ पे स्पिन करने के लिए। एंड इस रिंग इवेंट का स्पिन वीडियो कल जरूर आएगा, तो इसको देखने के लिए तैयार रहना। एंड कुल मिलाकर गाइस यही था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड आज का वीडियो को लंबा ना करके पे खत्म करते हैं, तो चलिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट अपडेट के साथ।